पूरी दुनिया में आप खेलते हैं, पाकिस्तान की सुपर लीग को कहाँ रेट करते हैं इस वक्त? मैं अगर ये नहीं कि मैं पाकिस्तान से हूँ या पाकिस्तान पाकिस्तान की लीग खेल रहा हूँ तो बात कर रहा हूँ। मेरे ख्याल में बहुत सारी लीग्स कुछ होता है कि कुछ लीग्स में पेमेंट डिले हो जाती हैं, पेमेंट्स के बहुत बड़े इश्यूज होते हैं प्लेयर्स के लिए। PSL का जितना भी मैंने लड़कों से पूछा सब ने बहुत ज़बरदस्त इसको रेट किया है और मैं ख़ुद इसको बड़ा हाई रेट करता हूँ। इवन के पेमेंट के हवाले से जो मेन इशू प्लेयर्स को फेस करना पड़ता है बहुत सारे मुल्कों के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ये इश्यूज नहीं होते प्लेयर्स के लिए। कैसे देखते हैं जितना आप लोगों में एक जज्बा बढ़ रहा है पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से, समझते हैं कि टीमों की तादाद भी बढ़ाने की ज़रूरत है? जितना ज़ाहिर है पूरे लोग दो दो तीन तीन साल बाद आपको एक फ्रेंचाइज बढ़ानी चाहिए और क्रिकेट अब पाकिस्तान आ रही है। अच्छी बात यह कि जो स्पॉन्सर्स हैं उनके लिए बहुत फ़ायदा है और इसी दिन का मेरे ख्याल में वो लोग भी इंतज़ार कर रहे थे, इसलिए कि इस ये क्रिकेट है इसी मुल्क की और इसी मुल्क में होगा तो फ़ायदा सबको होगा। और जो आप बात कर रहे थे, सॉरी आप कोई बात कर रहे थे के दूसरे को कितना उसको टीमों की तादाद को बढ़ानी? हाँ सॉरी, टीमों की तादाद बढ़नी चाहिए, बिल्कुल बढ़नी चाहिए। आपका फाटा का बहुत बड़ा एरिया है, उसको वहाँ की एक टीम होनी चाहिए, इवन कि पंजाब की एक और टीम होनी चाहिए, सिंध की एक और टीम होनी चाहिए, वाई नॉट। लेकिन वक्त के साथ साथ अभी खैर ये फैसले थोड़े जल्दी हैं, लेकिन दो साल बाद तीन साल बाद एक टीम ऐड होनी चाहिए। फ्यूचर में देखते हैं कि जब लाला चार पाँच साल बाद ये थोड़ा पीछे हो जाएगा मजीद क्रिकेट से, तो एक अपनी टीम भी इसमें चाहेगा कि वो भी बनाए? बस जिस दिन मेरी टीम होगी उस दिन आप जो है ना मेरे मीडिया मैनेजर होंगे।